अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज जागरूक भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। आजम खान का छलका दर्द, बोले क्या चाहते तो मुझसे कोई आए कनपट्टी पर गोली मार के चला जाए। यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी नेता आजम खान का एक बयान फिर से चर्चा में है। इस बयान में फिर से उनका दर्द छलका है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव और उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान जोर पकड़ने लगा है। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने भी पार्टी के लिए प्रचार अभियान तेज कर दिया है। सपा नेता शुक्रवार को प्रचार अभियान में उतरे, इस दौरान उनका एक बयान सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि क्या चाहते तो मुझसे, मेरे बेटे और बीबी से कोई इतना ही बचा है कि कोई आए कनपट्टी पर गोली मार के चला जाए। सपा नेता आजम खान ने जनसभा के दौरान जनता से सवाल करते हुए कहा कि क्या चाहते हो आप मुझसे और मेरी औलाद से, मेरे बच्चों से, मेरी बीवी से और मेरे चाहने वालों से क्या चाहते हो? चाहते हो कि कोई आए और कनपट्टी पर गोली मार कर चला जाए, बस इतना ही तो रह गया है। बचा लो आज भी निजाम में हिंद को, बचा लो कानून को, बचा लो। आपको सिर्फ अपने आप को हौसला देना है, जहां रोके जाओ वहीं बैठ जाओ कि आगे बढ़ेंगे, वापस नहीं जाएंगे। क्या बोले सपा नेता आजम खान ने आगे कहा कि वोट डालेंगे यह हमारा पैदाइशी हक है और इस हक को हमारे दो बार छीना गया है, अगर तीसरी बार छीना गया तो जान लेना शायद सांस लेने का हक भी बाकी नहीं रह पाएगा। मैं आज बहुत दूर तक के अंजाम से आगाह करने आया हूँ, आपको अपने एहसास के बंद दरवाजों को खोल लो और अच्छी तरह समझ लो कि फातिमा जभी नगर पालिका की कैंडिडेट नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए सब्र की वह अलामत है जिसका वादा को कुरान हकीम ने, अल्लाह ताला ने तुमसे किया है। आजम खान ने लोगों में जोश भरते हुए कहा कि मेरे हाथ से हाथ मिलाओ, मेरी आवाज से आवाज मिलाओ। इसके बाद उन्होंने फातिमा जभी जिंदाबाद के नारे लगाए। दरअसल निकाय चुनाव और उपचुनाव में आजम खान पहली बार चुनाव प्रचार करने निकले थे। इससे पहले गुरुवार को सपा नेता प्रचार करने नहीं निकले। बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के लिए पहले चरण के तहत 4 मई को वोटिंग होगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।